हाँ, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद मी में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम जो कि है एसएससी सीएचएसएल 2019। ठीक है, तो जैसे कि एसएससी को सीएचएसएल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। ठीक है, शुरू से ही बहुत प्यार करते हैं एसएससी को, सीएचएसएल को, तो स्पेशली डिले करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी भी सीएचएसएल को लगभग इन लोगों की टाइपिंग हुए हो गए हैं भैया 3 महीने। ठीक है, और अभी तक इनके रिजल्ट के कुछ अते पते नहीं है। पहले मैं भी बात किया था कॉल करके, तो बोल रहे थे कि 30 जनवरी तक दे देंगे। ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं कि फरवरी एंड तक वेट करो। तो ये ना इनका सिस्टम चलता ही रहता है कि पिछली बार भी जब सीएचएसएल 18 की बात चल रही थी ना, तब भी लगभग इसी टाइम पे टाइपिंग ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और तब भी ये लोग ऐसे बोल बोल के कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, फिर अप्रैल में ले गया उस चीज़ को कि अप्रैल में आएगा, फिर कोरोना केसेस बढ़ने लगे, फिर वो फाइनली जाके जून जुलाई में आया। ठीक है, तो ये लोग पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, स्पेशली जबकि टाइपिंग तो ऑनलाइन हुई है। ठीक है, चाहे तो 1 महीने में उसका रिजल्ट दे सकते हैं इजीली। तो आप जो ट्विटर कैंपेन वगैरह करते हैं, तो एक तो एसएससी सीएचएसएल के बच्चे पार्टिसिपेट करते ही नहीं उसमें। ठीक है, 1000 ट्वीट भी नहीं हो पाते बहुत बार। तो हम लोग भी काफ़ी ट्राई किए थे सीएचएसएल 2018 के टाइम पर, तो ट्विटर कैंपेन मेरे हिसाब से इतना सक्सेसफुल रहता नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऑडियंस कम रहती है तो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप पीएमओ पोर्टल पे ग्रीवियंस डालिए। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि सीजीएल 2019 के बच्चों ने पीएमओ पोर्टल पे इतने ग्रीवियंस डाले ना कि उनको एक नोटिस निकालना पड़ गया कि भाई आपका मैटर कोर्ट में है। मतलब जो भी एटलीस्ट वो सुनते हैं ना, वहाँ तक बात पहुँच जाती है कि यार भाई बच्चे परेशान हैं तो कुछ कारण है। ठीक है, और उनको रिटर्न में जवाब देना पड़ता है। अपना ट्विटर कैंपेन वगैरह करते हैं ना, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि एसएससी का कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, और एक जो है ना वो नकली है, वो एक्चुअल नहीं है। ठीक है, वो फेक है। तो आप ना बेस्ट क्या कर सकते हो कि भाई पीएमओ पोर्टल पे जाइए। ठीक है, अपना अपनी जो समस्या है कि भाई हमारा प्रोसेस इतना टाइम हो गया है। ठीक है, मतलब इतने टाइम से अभी तक जबकि कंप्लीट हो जाना चाहिए था प्रोसेस, तो हमारा तो अभी टाइपिंग फेज़ में ही है। ठीक है, इसके बाद फिर डीवी होगा, उसके बाद फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर 5-6 महीना ज्वाइनिंग में लगेगा, तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो अभी आप बेस्ट ये कर सकते हैं कि अपने जिसको समस्या है कि भाई रिजल्ट डिले आ रहा है, जिसको नहीं है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको है तो पीएमओ पोर्टल पर जाइए और वहाँ पे अपने मैसेज लिखिए। ठीक है, वो मोस्ट प्रॉब्ली रिप्लाई करेंगे कि आप वेबसाइट देखते रहिए। ठीक है, ये उनका मतलब प्रॉब्ली रिप्लाई यही रहता है। ठीक है, ज़्यादातर, लेकिन उन तक बात पहुंच जाती है कि भाई इसके लिए बच्चे परेशान हैं और इस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, और ऊपर से भी प्रेशर आता है कि भाई यार एक सिंपल से एग्ज़ाम का तुम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो टाइपिंग का, इतना रिप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, और आपकी बात ना सुनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से तो मेरा यही है कि आप जाइए पीएमओ पोर्टल पर, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, कि किसके किसके लिए आपको कंप्लेन है, तो वहाँ जाना, उसमें सीएचएसएल सेलेक्ट कर लेना, वहाँ फिर डिले इन रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, वो कर लेना। ठीक है, अदर्स वाले में जाके कंप्लेन करना, उसका रिप्लाई बहुत लेट आता है। ठीक है, तो डिले वाले में जाना और वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट दायर करिए, और अच्छे शब्दों में लिखिए, ऑफिशियल शब्दों में, जैसे कि आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ढंग से अपनी समस्या समझाइए, और जब उनका रिप्लाई आएगा ना कि यार काम चल रहा है, फिर बता देंगे, तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो क्या करना, फिर से डालना कि अभी तक नहीं आया, अगर आ जाए तो ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर से डालना। ठीक है, तो ये करके देखो, इससे गारंटी रिजल्ट आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अभी कुछ टाइम आ जाना चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते एसएससी पे। ठीक है, तो कितना भी डिले करना चाहे वो कर सकते हैं, तो ये एक बार आपको करना चाहिए अगर आपको जल्दी रिजल्ट के लिए कुछ करना है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।